हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स देखिए आज मैं ये दो कलर के जूती का पैटर्न लेके आई हूँ बहुत ही इजी है ये जूती बनाने में मैंने इसको बनाया है फाइव टू सिक्स फुट साइज़ के नाप के हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकती हैं तो देखिए मैंने इसको ये दो कलर लगा के बनाया है आप अपना मनपसंद कोई भी दो कलर ले सकती हैं और इसमें देखिए ये हल्की सी डिज़ाइन भी पड़ी है सेंटर में नीचे की तरफ देखिए ये इस तरीके से है तो इसमें सिलाई सिर्फ हमारी यहाँ बैक में आएगी तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने इसको बनाया है ये दो कलर के बेबी वोल से आप कोई भी ऊन ले सकती हैं और मैं इसको बनाऊंगी दस नंबर की सिलाई से ये मेरी सर्कुलर नीडल है दस नंबर की आप नॉर्मल दस नंबर की सिलाई से भी इसको बना सकती हैं जो ऐसी आती है आप उससे भी इसको बना सकती हैं ये बनी है ऊपर से तो सबसे पहले हम अपने बेस कलर से फंदे डाल लेंगे फंदे सिंगल धागे से डालेंगे और टोटल फिफ्टी फाइव फंदे हम इसमें डालेंगे तो देखिए सिंगल धागा ऐसे करके आप ले लीजिए और इस तरह से टोटल फिफ्टी फाइव फंदे हम इसमें बॉर्डर के लिए डालेंगे तो ऐसे फंदे बहुत टाइट या लूज नहीं है नॉर्मल फंदे हैं तो इस तरह से करते हुए 55 फंदे यानी कि पचपन फंदे हम इसमें पहले डाल लेते हैं देखिए टोटल 55 फंदे मैंने डाल दिए हैं रॉन्ग साइड है ये हमारा और रॉन्ग साइड से ही इसकी बिनाई स्टार्ट होगी तो सबसे पहले हम ऊपर का बॉर्डर बनाएंगे तो देखिए पहला फंदा उतार लिया मैंने एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए पूरी सलाई कंप्लीट करेंगे तो एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा पूरी सलाई कर लेते हैं इसी तरीके से तो ये देखिए पहली सिलाई इस तरीके से हमारी यहां पे कंप्लीट हो गई और अब दूसरी सिलाई राइट साइड से सेम बनाएंगे जो फंदे जैसे हैं उनको हम वैसे ही कर लेंगे पहला फंदा उतार लिया है मैंने नेक्स्ट देखिए सीधा है तो सीधा और जो उल्टा है उसको उल्टा बनाते जाएंगे टोटल ग्यारह सिलाई का हम बॉर्डर कंप्लीट करेंगे सबसे पहले ये दूसरी सिलाई है मेरी टोटल ग्यारह सिलाई का बॉर्डर बना लेते हैं फिर हम नीचे का पार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे देखिए इस तरीके से ये बॉर्डर आएगा हमारा तो ग्यारह सिलाई का बॉर्डर पहले तैयार कर लेते हैं ये देखिए ग्यारह सिलाई का बॉर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है अब ये हमारी राइट साइड है राइट साइड से हम एक सिलाई पूरी सीधी सीधी बिन के निकालेंगे और रॉन्ग साइड से फिर हम कलर चेंज करेंगे तो ये हम पूरा एक सिलाई जो है बारहवीं सिलाई इसको हम इस तरह से सभी फंदों को सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से फिर हम अपना दूसरा कलर लगा लेंगे देखिए इस तरीके से इसको कर लेते हैं पहले ये देखिए यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया और अब यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर ऐड कर लेंगे तो डबल नॉट लगा लीजिए और अब इस कलर से हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये जो डिजाइन हमारी बनेगी वाइट कलर में बनेगी और ब्लू कलर जो मेरा है वो मेरा दोनों साइड से प्लेन जाएगा तो यहाँ से अब हम इस कलर को लगाएंगे और देखिए इसको टाइट कर लीजिए देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस और ये छब्बीस ये छब्बीस बंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए सत्ताईसवां फंदा उतार लेंगे बिना बुने अट्ठाइसवें फंदे को हम फिर से बुनेंगे और उनतीसवां फंदा फिर से हम उतार लेंगे अब इधर भी हमारे देखिए दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह, बीस बाईस चौबीस और छब्बीस फंदे हैं तो इनको अब हम बना लेंगे उल्टा उल्टा ये सारे फंदे इसको हम बना लेंगे ये देखिए अब ये है हमारी राइट साइड देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट है तो अब इधर से फिर से 26 फंदे हम बना लेंगे सीधे सीधे जो 26 हमारे फंदे हैं इसको हम पूरा सीधा सीधा बना लेंगे ये देखिए और अब जो ये उतारा हुआ फंदा है इसको हम फिर से उतार लेंगे बिना बुने और ये जो बीच वाला फंदा है इसको हम बनाएंगे देखिए एक बार बनाया यान ओवर करेंगे फिर दूसरी बार बनाएंगे सीधा यान ओवर तीसरी बार बनाएंगे यान ओवर फिर चौथी बार बनाएंगे और अब इस फंदे को हम गिरा देंगे टोटल अगर हम देखें तो इसमें हमारे देखिए दो चार छः और एक ये सात फंदे हो गए अब इसको हम फिर से बिना बुने उतार लेंगे और बाकी के फंदों को हम सीधा सीधा बना लेंगे सभी फंदों को सीधा सीधा ये देखिए ये। अब यहां पे फिर से हम अपना ब्लू कलर लगाएंगे यहां पे फिर से ब्लू कलर लगाएंगे इस धागे को अंदर की तरफ फंसाते चले जाएंगे ट्वेंटी सिक्स फंदे जो हैं, उसको हम इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे सारे ही फंदे बनेंगे इसमें जो हमने उतार के रखे उसको भी हम बनाएंगे और बीच वाले जो फंदे हमने बढ़ाए हैं उसको भी हम उल्टा उल्टा ही बना लेंगे तो ये देखिए अब हम इसको बुन लेंगे और ये जो हमारे सात फंदे बीच में है देखिए एक दो तीन चार पांच छे और ये सात देखिए अब इसको भी बना लेंगे और पूरी सिलाई उल्टा और प्लस सीधे तरफ से पूरा सीधा सीधा हम इसको बना लेंगे तो ये जो दो सिलाई हमारी यहाँ पे जा रही है ये बिल्कुल सीधी सीधी जाएगी इसमें हमने कुछ नहीं करना है तो ये देखिए राइट साइड से पूरा बन गया अब रॉन्ग साइड से फिर से हम अपना वाइट कलर लगाएंगे और जो ट्वेंटी सिक्स फंदे हमने बनाए थे उतने तो हमको बनाने ही हैं प्लस जो हमने फंदे बढ़ाए हैं वहाँ पे भी हम जैसे हमने पहली बार बनाया है वाइट में वैसे ही करेंगे तो सबसे पहले जो ट्वेंटी सिक्स फंदे हैं उनको हम बना लेते हैं बहुत ही इजी पैटर्न है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा तो रॉन्ग साइड से इसको उल्टा उल्टा सबसे पहले जो ट्वेंटी सिक्स फंदे हमने बनाए हैं वहां तक हम बनाएंगे कि देखिए ये हमने पिछली बार उतारा था तो इसको हम फिर से यहां बिन लेंगे अब अब ये देखिए एक दो और ये तीन फंदे हमने बिन लेने हैं जो सात फंदे हमने बीच में बढ़ाए हैं एक फंदा अब हम उतारेंगे और अब ये हमारा सेंटर का फंदा है इसको हम बुन लेंगे उल्टा फिर ये उतारेंगे तो अब देखिए दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस और एक उन्तीस यानी ट्वेंटी नाइन फंदे इधर हैं और दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह, बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस और देखिए उन्तीस तो इसको भी हम इतना बुन लेंगे और राइट साइड से फिर जहाँ तक हमने फंदे उतारे हैं वहाँ तक हम इसको सीधा बना लेंगे ये देखिए ये रॉन्ग साइड और राइट साइड से फिर हम यहाँ तक इसको सीधा बुन लेंगे ये देखिए ये इतना हमने बना लिया अब इसको हम फिर से उतार लेंगे बिना बुने और इस वाले फंदे को हम एक बार फिर से देखिए एक यान ओवर दो यान ओवर तीन यान ओवर और ये चार चार बार हम इसमें से फंदे को बीनेंगे और तीन बार हम फंदे को इसमें यान ओवर करेंगे यानि टोटल ये एक फंदे के सात फंदे यहाँ पे हो जाएंगे इसको उतार लेंगे और इसको हम बुन लेंगे पूरा तो इस तरीके से देखिए करते हुए ये मैंने वाइट का देखिए टोटल एक दो यहाँ पे देखिए तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ लाइनिंग मैंने इसकी बनाई है और इस तरीके से हर व्हाइट पे ये हमारा फ्लावर बनता जाएगा और ब्लू वाला हमारा प्लेन दो दो सिलाई जाएगा तो ये आठ लाइन कंप्लीट करने के बाद फिर हम ये नीचे का पोर्शन और ये बनाएंगे तो इतना पहले कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद हम इसके आगे का बनाएंगे ये देखिए इतना मैंने कंप्लीट कर लिया है एक दो तीन चार पांच छ सात और ये आठ लाइन वाइट की कंप्लीट हो गई है अब यहां तक बनने के बाद टोटल फंदे जो है वो है 103 फंदे मेरे आपको बड़ा बनाना है तो आप ये एक लाइन और बना सकती हैं और बड़ा बन जाएगा या छोटा बनाना है तो आप एक दो लाइन कम भी कर सकती हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट एक सीधी एक उल्टी सिलाई एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई करके यहाँ पे कंप्लीट कर ली है अब हम ये उल्टा उल्टा पार्ट जो है ये बनाएंगे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे तो यहाँ से अब हमारा उल्टा उल्टा बनेगा तो ये हम बनाएंगे चार लाइन यानी कि टोटल आठ सिलाई तो एक रॉन्ग साइड से हमने बना लिया है अब यहाँ से ये इसको हम उल्टा उल्टा इस तरह से कंप्लीट करेंगे दोनों साइड से तो ये हमारी आठ सिलाई यानी कि चार लाइनिंग राइट साइड पे आ जाएगी तो यहाँ से अब हम काउंट करेंगे तो ये देखिए इस तरह से करते हुए चार लाइनिंग इसकी हम कंप्लीट करेंगे ये इसके बाद हमारा ये नीचे का पोर्शन बनेगा तो पहले ये इतना दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिन लेती हूं मैं फिर आपको ये पार्ट दिखाऊंगी तो बस इस तरह से दोनों साइड से उल्टा उल्टा कंप्लीट करेंगे इसको ये देखिए इस तरीके से पहली सलाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी लास्ट वाले फंदे को हम इस तरह से सीधा बना लेंगे और इस तरफ से भी फिर हम उल्टा उल्टा बनाएंगे फंदे जो बढ़ने थे देख के ये व्हाइट वाले तक ही बढ़े हैं अब कोई फंदा यहाँ पे नहीं बढ़ेगा फिर से पहला फंदा उतारेंगे और पूरी सलाई उल्टी उल्टी बिन के कंप्लीट करेंगे तो टोटल चार लाइनिंग यानी कि आठ सलाई पहले कंप्लीट कर लेती हूं इसका फिर हम नीचे का ये पोर्शन बनाएंगे देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार लाइनिंग कंप्लीट हो गई है और उल्टी सिलाई भी मैंने उल्टा उल्टा करके बना लिया है अब यहाँ से हम ये जो पंजा है इसके नीचे का ये पोर्शन बनाएंगे तो इसके लिए हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम 46 फंदे बिन लेंगे राइट साइड से ये राइट साइड है हमारी राइट साइड से हम फोर्टी सिक्स फंदे उल्टे उल्टे ही बनाएंगे तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस इस तरह से करते हुए टोटल फोर्टी सिक्स फंदे हम एक साइड के बना लेंगे ये देखिए फोर्टी सिक्स फंदे इधर हो गए अब बीच में हम ग्यारह फंदों का पोर्शन लेंगे जिसमें हम नीचे का पंजे का पोर्शन बनाएंगे तो अब यहाँ से देखिए काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये जो ग्यारहवा फंदा है इसके संग हम एक फंदा और लेंगे और दो फंदे को एक साथ उल्टा ही बना लेंगे उन पीछे करेंगे और अब रॉन्ग साइड से ये जो फंदा हमने दो का एक किया इसको हम उतार लेंगे अब यहाँ से हम काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और जो ग्यारहवा फंदा है इसके संग एक फंदा और लेके दो का एक बना लेंगे फिर सलाई पलटेंगे ऊन अपनी तरफ करेंगे अब देखिए ये हमारे बीच के ग्यारह फंदे क्लियर हो गए दो चार छ आठ दस और एक ये ग्यारह तो अब ये जो फंदा हमने दो का एक किया था इसको हम सबसे पहले उतार लेंगे बिना बुने तो इसको काउंट करते हुए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस देखिए अब यहां से क्लियर हो गया कि हमारा ये फंदा अलग है ये ग्यारहवा फंदा और इसके संग एक और फंदा लेके दो का एक करेंगे और धागा पीछे करके सिलाई पलट लेंगे इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे और इसको लेते हुए हमने फिर से दस फंदा बनाना है तो देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ देखिए ये दस ये ग्यारहवा फंदा इसके संग लेके ये तो इस तरह से दोनों तरफ से हम इस ग्यारह ग्यारह फंदे लेंगे दस फंदे लेंगे और ग्यारहवें फंदे के संग एक बार इधर से और एक बार इधर से फंदे लेते हुए दो का एक करते जाएंगे और ये लंबाई कंप्लीट करेंगे तब तक जब तक कि किनारों पे हमारे ये तीन फंदे दोनों तरफ से नहीं बच जाते हैं तो इस तरह से ये हमारा नीचे का पोर्शन बन के तैयार होगा यहाँ तक तो देखिए नीचे में कोई सिलाई नहीं आई है यहां तक हम बनाएंगे जब तक तीन तीन फंदे दोनों तरफ नहीं रह जाते हैं तो इतनी लंबाई पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूं तीन फंदे रहने तक उसके बाद फिर मैं आपको इसके आगे का बताऊंगी ये देखिए, दोनों तरफ से घटाते घटाते तीन फंदा इधर और तीन फंदा इधर हमारा बचा है अब यहां पे जस्ट मैंने घटाया है तो सलाई को पलट लेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे अब ये देखिए हमारी राइट साइड है ये पोर्शन बनते बनते इतना देखिए नीचे का पोर्शन बन गया है ये जो पंजे के नीचे तले वाला पार्ट आता है वो है तो यहाँ पे अब हम ये पहला फंदा हम उतारेंगे देखिए तीन तीन फंदे बचे हैं दोनों साइड अब यहाँ पे ये दो फंदे हम एक साथ फिर से करेंगे राइट साइड से और एक दो तीन चार और ये पाँच पांच फंदे हमने उल्टे बनाए तीन फंदा देखिए बचा है यहाँ से ये दो एक करेंगे इसके पहले ये दो फंदा एक साथ हम उल्टा बुन के घटा देंगे अब ये वाला फंदा जिसके संग हम फंदे बंद कर रहे हैं तो एक ये तो देखिए इस लाइन में यहाँ पे हमने रॉन्ग साइड से घटाया था इसको हमने बिना बुने उतार लिया यहाँ दो का एक किया पाँच फंदे उल्टे बनाए बीच में और दो का एक दो का एक सलाई पलट लेंगे अब इसको रॉन्ग साइड से यहां पे नहीं घटाना है लास्ट में जैसे हम घटाते आ रहे हैं उसी तरह से घटाएंगे यहाँ पे देखिए ये सारे फंदे हमने बना लिए और यहां पे ये यह दो का एक करेंगे फिर से सलाई पलटेंगे ऊन अपनी तरफ लेके आएंगे और ये पहला फंदा उतार लेंगे बिना बुने फिर दो का एक करेंगे बीच के फंदे जो हैं देखिए एक दो तीन यहां पे तीन फंदा बचा अब इसका हम दो का एक करेंगे और ये फंदे के साथ इधर के फंदे को लेके दो का एक करेंगे देखिए एक फंदा बचा है अभी इधर सलाई को पलटेंगे इधर दो फंदे बचे हैं तो इसमें हम लास्ट में घटाएंगे तो ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे दो का एक फिर से धागा को पीछे करके सिलाई पलट लेंगे और अब देखिए राइट साइड में ये फंदा बिना बुने उतारेंगे दो का एक करेंगे अब यहाँ पे देखिए एक फंदा बीच में बनाएंगे दो का एक करेंगे और लास्ट में फिर से एक बार दो का एक करेंगे अब इधर से देखिए ये हमारे छ फंदे बचे तो यहाँ पे इसको ऐसे रॉन्ग साइड है ये यहाँ पे दो का एक करेंगे और लास्ट वाले फंदे को सॉरी लास्ट वाले फंदे को दो का एक करेंगे इस तरीके से अब राइट साइड में हमारे ये पांच फंदे बचे इनको हम ये देखिए ये एक फंदा रहने देंगे इसके बाद दो का एक फिर दो का एक और रॉन्ग साइड से तीनों फंदों को एक साथ लेके हम बंद कर देंगे इस तरह से यहाँ पे ये हमारी जूती कंप्लीट हो गई और अब हम बड़ा धागा लेंगे जिससे कि हमको सिलाई भी करनी है तो इसको हम थोड़ा बड़ा लेंगे इसके बीच से ऐसे निकाल लेंगे तो ये देखिए और अब हम इसकी सिलाई करेंगे ये हमारा एडी का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया राइट साइड देखिए ये इस तरीके से हमारा आएगा दोनों पैर बिल्कुल एक जैसे ही बनेंगे ये तो अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे इसको उल्टा कर दीजिए और अगर आपका धागा इधर ज़्यादा है तो आप इससे कर लीजिए नहीं तो ये धागा हमने लिया ही है इससे हम इसकी सिलाई करेंगे इसकी सिलाई कर लेते हैं बहुत ही इजी है जैसे भी आपको आसानी से सिलने आता हो आप इसको सिल सकती हैं इस तरह से पकड़ेंगे एक बराबर में देखिए ऐसे और ये कॉर्नर का पार्ट है तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे बनाना इस तरह से इसको टाइट कर दीजिए जिससे कि कॉर्नर निकले और इस तरह से हम इसको अब पूरा सिलाई कर लेंगे तो देखिए इस तरह से जब हम कर देंगे तो यहाँ पे ये कॉर्नर नहीं आएगा तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेते हैं ये जो फंदे हमने पहले उतार रखे हैं स्टार्टिंग के इन्हीं फंदों को पकड़ते हुए मैं सिलाई करूंगी इसकी आपको जैसे ईजी पड़े आप वैसे इसकी सिलाई कर सकती हैं देखिए इस तरीके से तो इसकी सिलाई कर लेते हैं देखिए ये पूरा यहाँ तक ये यह देखिए मैंने सिल लिया है अब इसको सीधा कर लेते हैं ये इस तरीके से हमारा आएगा दोनों पैर का बिल्कुल एक जैसा ही बनेगा कोई अंतर नहीं है कोई सा भी पैर आप इसमें डाल सकती हैं तो अब देखिए इसको भी लेफ्ट राइट किसी भी पैर में आप इसको पहन सकती हैं अच्छे से सारा पैर ये कवर कर लेगा और देखिए ये ऊपर तक हमारा आ जाएगा तो ये है हमारा जूती दोनों पैर बिल्कुल एक जैसा तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि ये जूती का पैटर्न आपको जरूर पसंद आएगा अगर आपको ये जूती पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के संग तब तक के लिए बाय